मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल खरगोन में साल 2022 में हुए दंगों के बाद विजयवर्गीय ने एक ट्वीट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था। इसके बाद उन पर सामाजिक सद्भाव भड़काने का आरोप लगा था। इसको लेकर कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में तिलक नगर पुलिस को जांच कर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट के ही आदेश पर कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने दस्तावेज पुलिस को भी सौंपे हैं। मामला कैलाश विजयवर्गीय जी का एक ट्वीट का है 2022 अप्रैल के महीने का, जब शहर में और विशेषकर प्रदेश में धार्मिक उन्माद की आग लगी हुई थी, खरगोन में दंगे चल रहे थे। उस समय कैलाश जी ने एक धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाला, सांप्रदायिकता को फैलाने वाला एक ट्वीट किया था। ट्वीट भी उन्होंने खरगोन का बताया था जबकि वो तेलंगाना का था, और उसमें जो भाषा शैली थी वो कहीं भी इस शहर को और इस प्रदेश को दंगे की आग में झुलसाने वाली भाषा शैली का इस्तेमाल किया था, जिसको लेके मुझे आपत्ति थी और मैंने आवेदन 16 अप्रैल 2022 को तिलक नगर थाने में दिया था। 6-8 महीने इंतज़ार करने के बाद जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने हाईकोर्ट में आवेदन लगाया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल 2024 को उसमें संज्ञान लिया। 7 दिन के भीतर मुझे कहा गया है कि आप सर्टिफाइड कॉपी थाने में प्रस्तुत करें, और उस डिसीजन में हाईकोर्ट ने तिलक नगर थाने को 90 दिन का समय दिया है उसमें जांच कर FIR दर्ज करने के लिए। क्या इस मामले पर कांग्रेस के कुछ नेताओं पर भी केस दर्ज हुए थे? आपको बता दें कि खरगोन जिले में बीते साल 2022 में 10 अप्रैल को रामनवमी पर हिंसा हुई थी, और इस हिंसा के बाद मौजूदा कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। कैलाश विजयवर्गीय ने इस वीडियो को खरगोन का बताया था और उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग पर टिप्पणी भी की थी। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और कांग्रेस नेता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने तिलक नगर थाना पुलिस को 3 महीने के अंदर जांच पूरी कर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एक डॉक्टर सूरी साहब हैं, उन्होंने आवेदन दिया है, अंग्रेजी में लिखा है, कुछ हाईकोर्ट के पत्र भी शामिल है। उन्होंने कैलाश जी के अगेंस्ट है वो, तो जो भी अब आवेदन ले लिया, रिसीव कर दिया है, अब वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। ALR गोस्वामी ASI। हाईकोर्ट के इसी आदेश की कॉपी लेकर सोमवार को कांग्रेस के नेता तिलक नगर थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कोर्ट के आदेश की कॉपी पुलिस को सौंप दी है और जल्द से जल्द जांच कर FIR दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि ये वीडियो तेलंगाना का था।